मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य परिचय। आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए, राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या हेडिंग लिखोगे? राजस्थान का सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। अब देखो मित्रों, जब हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये बात उठती है कि राजस्थान शब्द का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, राजस्थान शब्द सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त किया गया। तो देखो, एक शिलालेख प्राप्त हुआ था और 682 ईस्वी का। कब का था? 682 ईस्वी का एक शिलालेख था जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ ये कहां पर स्थान है? तो मित्रों, ये है सिरोही जिले में। तो सिरोही जिले में एक जगह है बसंतगढ़, और इसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ शिलालेख और यहां पे प्राप्त हुआ था जो मंदिर है जिसको अपन बोलते हैं खीमल माता का मंदिर। कौन सी माता? खीमल माता का मंदिर। इस खीमल माता के मंदिर के पाप से प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे पहले इस राजस्थान जिसको हम वर्तमान में बोलते हैं, इस भूभाग के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया जिसको बोलते हैं राजस्थानिया दित्य। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? राजस्थानिया दित्य नाम शब्द प्रयोग किया गया। इसके अलावा 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस, या जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस भूभाग के लिए राजपूताना नाम दिया गया। क्या नाम प्रयोग किया है? राजपूताना। इसके अलावा पुणे फिर 1829 ईस्वी, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 1829 ईस्वी में, या के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। इस कर्नल जेम्स टॉड ने, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। पुस्तक का नाम क्या था? तो मित्रों, पुस्तक का नाम था द एनालाइसिस, द एनालाइसिस। इसका नाम मैं दूसरे लिख दूं, द एनालाइसिस द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी का दूसरा नाम था द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था इसका दूसरा नाम? मित्रों, इसका दूसरा नाम था, मैं यहां लिख देता हूं, द एनालिसिस एंड एंटी क्विटीज, द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये एक ही पुस्तक है, इसी दो भागों में डिवाइड किया, इसको दो भागों में प्रकाशित किया गया था 1829 में और 1832 ईस्वी में। तो पुस्तक का नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। पुस्तक 1829 में किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने। इसका दो पार्टों में डिवाइडेशन करके और दो बार में प्रकाशन हुआ, 29 में और 32 में। इसी का दूसरा नाम है द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
इन पुस्तकों में सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रदेश के लिए किस शब्द का उपयोग किया? तो इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी पुस्तकों में किया गया, द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा मैं कहूं कि इस प्रदेश का जो वर्तमान रूप है, तो वर्तमान स्वरूप कब आया, तो वर्तमान स्वरूप में, तो मित्रों वर्तमान स्वरूप में आया ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, जिसको हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, या राजस्थान का जो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर, 342,239 वर्ग किलोमीटर 342,239 वर्ग किलोमीटर 42,239 वर्ग किलोमीटर, या इसको मील में लिखें तो हम लिख सकते हैं 132,140 वर्ग मील, वर्ग मील में इसको लिख सकते हैं 132,140 वर्ग मील। तो ये सारी चीजें अपने को फर्स्ट में याद रखनी थी। राजस्थान में पुनः रिपीट करवा देता हूं कि वर्तमान में जिस भूभाग के लिए हम राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सबसे पहले एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, और वो शिलालेख कहां से हुआ था, वो बसंतगढ़ नामक स्थान है, और ये बसंतगढ़ शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर प्राप्त हुआ, तो सिरोही जिले से प्राप्त हुआ, और अगर याद रखो एग्जैक्ट लोकेशन तो खीमल माता के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ बसंतगढ़ शिलालेख। इसके अलावा और कब का है ये, तो 682 ईस्वी का शिलालेख है। इस शिलालेख में सबसे पहले इस प्रदेश के लिए क्या नाम उपयोग किया गया, तो राजस्थानी दित्य शब्द का नाम प्रयोग किया गया। इसके बाद पुनः 1800 ईस्वी में, कब 1800 ईस्वी में, एक जॉर्ज थॉम के नाम से विद्वान हुए थे, और इन्होंने इसके लिए क्या नाम दिया, तो इन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया। क्या नाम दिया, तो इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा नेक्स्ट 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड हुए, और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इस एक पुस्तक लिखी गई जो दादा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी का दूसरा भाग है, या मैं कहूँ इसी का दूसरा नाम है, द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंतर्गत पहली बार इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, या इस भूभाग के लिए मैं कहूँ सबसे पहले राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया, कब, 1829 ईस्वी में। इसके बाद मैं कहूँ कि जो वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का, वो कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था इस संदर्भ में। अब हम बढ़ते हैं आगे, मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए, इसको विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंग आकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषमकोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है, या इसे पतंगाकार भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आप जब भी मैं मिटाता हूं उससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि फिर वो क्या है कि आपको परमानेंट आपको याद हो जाए। अब देखिए, सबसे पहले राजस्थान का एक मानचित्र बनाओ, आप मेरे साथ रिपीट करो। जैसे देखो ऐसा कुछ है राजस्थान, सबसे पहले मानचित्र में ये देखिए। अब देखो मित्रों, इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, यहां पे मानचित्र में दक्षिण होती है, इधर पूर्व दिशा होती है, और इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने अभी आपको रिपीट करवा दिया
और फिर पुनः रिपीट करवा देता हूँ कि इसका क्षेत्रफल है, या मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है 342,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर मील में पूछे तो आपको याद रखना है 132, 140 वर्ग मील, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये आपको इसका क्षेत्रफल याद रखना है। दूसरी चीज जरूरत पड़ती है कि इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो मित्रों इसकी स्थलीय सीमा कौन सी सीमा, तो स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है स्थलीय सीमा की लंबाई, तो मित्रों स्थलीय सीमा यानी मैं कहूं कि इस बॉर्डर पे कहीं से भी आप चलना प्रारंभ करो और इस प्रकार से घूमते हुए वापस इसी स्थान पे पहुंच जाओ तो आप कितने किलोमीटर की दूरी कवर करोगे, तो 5920 किलोमीटर की दूरी कवर करोगे। इस 5920 किलोमीटर में से दो प्रकार की सीमा बनाता है, एक तो है अंतरराज्यीय और एक है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जो दूसरे देश के साथ लगी हुई है, और अंतरराज्यीय का मतलब होता है जो दूसरे राज्यों के साथ लगी हुई है। तो इसे दूसरे में थे, इसमें अंतरराष्ट्रीय तो कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय, तो मित्रों अंतरराष्ट्रीय जो सीमा की लंबाई है वो तो है 1070 किलोमीटर। कितनी है 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्य की मैं बात करूं, कैसी अंतरराज्य, अंतर राज्य, तो अंतरराज्य सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। अब देखो दोनों चीज आपको याद रखनी है कि अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझ गए, अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश के साथ। तो जो भारत की जो सीमा लगी हुई है, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, ये हिंदूमल कोट, और जिला कौन सा है, ये श्री गंगानगर जिले में, कहां पर है श्री गंगानगर में। तो हिंदूमल कोट से लेकर के यहां पे एक जगह है जिसका नाम है बाखासर, बाखासर, और मित्र बाखासर कहां है, बाखासर बाड़मेर में। तो इसे हिंदूमल कोट से लेकर के बाखासर बाड़मेर तक, यहां तक ये जो सीमा लगती है ये कितनी है 1070 किलोमीटर है, और किसके साथ लगती है मित्रों, तो ये लगती है पाकिस्तान के साथ। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ सीमा या अंतरराष्ट्रीय बोला जाता है, क्या बोलते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, या इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब स्वतंत्रता के बाद देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो इनमें क्या है कि दोनों में झगड़ा चालू हो गया सीमा विवाद को लेकर के। तो एक सर सिरिल रेड क्लिफ की आयोग की अध्यक्षता में, या सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ आयोग। उस रेड क्लिफ आयोग का जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, उसने रिपोर्ट की थी 17 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की, किसने, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं सर सिरिल रेडक्लिफ, क्या नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, इसको हम बोल देते हैं रेडक्लिफ आयोग, और इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, तो याद रखना है इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई मित्रों 17 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब प्रकाशित हुई, तो 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेडक्लिफ आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशन हुआ था, तो उसके दौरान इसका निर्धारण किया गया कहां से, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के और बाखासर बाड़मेर तक इसकी लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मित्रों कौन सी,
अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे, तो ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अब हम बात करते हैं इसके जिलों की, बात कर लेते हैं, या इसका उत्तरतम बिंदु कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, या थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। जैसे ये हो गई 4850 किलोमीटर की जो सीमा, ये कैसी है, अंतरराज्य, ये अंतरराज्य सीमा, यहां पे 5 राज्यों से लगी हुई है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। अंतरराष्ट्रीय तो ओनली फॉर पाकिस्तान से लगी हुई है 1070 किलोमीटर, और अंतरराज्य सीमा 5 राज्यों से। यहां सबसे पहले कौन है, तो इधर तो है पंजाब, कौन सा जाब, पंजाब, यहां मैं लिख देता हूं, तो यहां है पंजाब, इधर इसके बाहर यहां पे हरियाणा, यहां पे क्या है यूपी, इधर एमपी, और यहां पर क्या है जी जे, या मैं कहूं गुजरात। किसके किसके साथ लगी हुई है, गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, और हरियाणा के साथ, और पंजाब के साथ। यानी 5 राज्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 भारत राजस्थान के बाद। तो राजस्थान की टोटल अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5920 किलोमीटर। मैं समझता हूँ ये आपको याद हो गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आप देखिए, देखो क्षेत्रफल कितना है, मेरे साथ रिपीट करो, तो 342239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में कितना है, 132140 वर्ग मील। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5920 किलोमीटर, जिसमें मित्रों अंतरराष्ट्रीय कितनी है 1070, और अंतरराज्य कितनी है 4850 किलोमीटर। जो 4850 कितने राज्यों के साथ लगी हुई है, 5, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के साथ लगी हुई है। इसके अलावा एक होती है अंतर्राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय किसको क्या नाम है, रेड क्लिप, और किसके साथ लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। कितनी, 1070 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। अब देखो ये कहां से कहां तक है, तो ये श्री गंगानगर में हिंदू मलकोट से लेकर के, और बाड़मेर जिले में कौन सी जगह, बाखासर तक, कितने किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर। इसके अलावा देखो इसका निर्धारण कब किया गया, तो ये सर सिरिल रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, सर सिरिल रेडक्लिफ नाम का व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में आयोग बनाया, इसलिए उसको बोल दिया था रेडक्लिफ आयोग। और उसकी रिपोर्ट कब आई, तो 17 अगस्त 1947 को, यानी देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, उसके 2 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आई। तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कई बार, तो आपको ध्यान रखना है कि सर सिरिल रेडक्लिफ आयोग की अध्यक्षता में जो आयोग बना, उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, तो वो आई थी मित्रों 17 अगस्त 1947 को। तो ये अब आपको याद रखना था। अब देखिए इसका उत्तरतम बिंदु, इसके दक्षिणतम बिंदु, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब देखो आगे, तो देखो इसका जो उत्तरतम बिंदु है मित्रों, और इधर इसका पश्चिमतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। तो इसका ये पूर्वतम बिंदु कौन सा है बताओ, तो यहां पे सबसे पूर्व में जिला पड़ता है जिसका नाम है, जिला पूछा जाए तो जिला तो है धौलपुर, कौन सा पुर, धौलपुर। अगर तहसील पूछा जाए, तहसील, तो मित्रों तहसील है राजाखेड़ा, तहसील क्या है राजाखेड़ा। और अगर मैं कहूं कि पूर्वतम बिंदु पूछा जाए, पूर्वतम बिंदु, तो वो है सिलान गांव, क्या है सिलान गांव, सिलान गांव, सिलाना गांव, कुछ भी मिल सकता है आपको पकड़ लेना है सिलान गांव। और अगर बात करूं मैं कि इधर पश्चिम में, तो पश्चिम में जिला कौन सा है मित्रों, तो पश्चिम में जिला तो है जैसलमेर, कौन सा जिला है जैसलमेर जिला है। अगर तहसील पूछी जाए, मैं तय लिख देता हूं, तहसील पूछी जाए तो सम तहसील है,
कौन सी तहसील है? सम तहसील है। और अगर गांव पूछा जाए मित्रों तो मुख्य पॉइंट तो गांव है कटरा गांव, याद रह जाएगा कटरा गांव। कौन सा जिला? जैसलमेर, तहसील सम तहसील और गांव है कटरा गांव। जो कौन सा बिंदु है ये? तो ये पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु है ये? तो ये मित्रों पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु। ठीक है, अब देखो उत्तरतम बिंदु। तो उत्तरतम की हम बात करें यहां पर, तो यहां पर जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? तो उत्तरतम जिला अगर मैं पूछूं तो उत्तरतम जिला तो है श्रीगंगानगर। ये श्रीगंगानगर जिला है। अगर तहसील मित्रों तो तहसील भी कौन सी है? श्रीगंगानगर। जिला भी गंगानगर, तहसील भी गंगानगर। और अगर गांव पूछा जाए तो कौन सा गांव है? तो कोणा गांव। और ये कौन सा बिंदु हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा उत्तरतम बिंदु। तो उत्तरतम बिंदु हो गया। अगर बात की जाए दक्षिणतम बिंदु यहां पे, तो दक्षिणतम बिंदु आपको याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं। तो जिला पूछा जाए, जिला तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा जिला। तहसील पूछी जाए तो मित्रों तहसील है कुशलगढ़। और अगर गांव पूछा जाए तो इसका नाम है बोरकुंडा गांव है, बोरकुंडा गांव। और ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? तो ये बिंदु हो जाएगा दक्षिण, कौन सा बिंदु मित्रों? दक्षिणतम बिंदु, याद रखना है। देखो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के मानचित्र में सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? अगर ऐसे नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है श्रीगंगानगर जिला है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित तहसील कौन सी है, तो आपको याद रखना है कौन सी तहसील है? श्रीगंगानगर तहसील है। अगर गांव पूछ लिया जाए सबसे पॉइंट में, उत्तरतम पॉइंट में कौन सा गांव है, तो कोणा गांव है, या मैं कह दूं उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, यह है कितने डिग्री पर अगर पूछ लिया जाए? तो राजस्थान का जो अक्षांश देशांतरी विस्तार है ना, वो लास्ट पॉइंट पे होगा। बताओ अक्षांश देशांतरी विस्तार यहां पर कितना है? तो यहां पर है कितना? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही है ना। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये बोरकुंडा गांव कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि ये कोणा गांव कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो ये भी यहां पे कितना है बताओ? तो यहां पर है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यही है ना। मैं समझता हूं ये याद होगा आप सबको, क्योंकि ये सारी चीजें सामान्य अध्ययन है, जनरल इंट्रोडक्शन है। जब हम कंपटीशन की दुनिया में पहली बार कदम रखते हैं तो उसी समय सबसे पहले ये ही पढ़ते हैं। और मैं तो मानता हूं कि एक एक बार 50-50 बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी कंपटीशन में नई बुक खरीद के लाते हैं तो 20-30 पन्नों में आगे यही होता है जनरल इंट्रोडक्शन। इसी को हम पढ़ पाते तब तक जोश ठंडा हो जाता है, फिर दूसरी किताब खरीद लाते हैं, फिर इसी को पढ़ते हैं, फिर दूसरी, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये सबको आता भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो ये कितना है? तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में कौन है? कोणा गांव, ये श्रीगंगानगर जिला है। ठीक है, इसके अलावा तहसील की बात करें तो ये कितने डिग्री पर, यहां पर कितना था? तो यहां पे था 68 डिग्री 12 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 30 मिनट, 68 डिग्री 30 मिनट से लेकर के, और यहां पर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां 69 डिग्री 30 मिनट है, सॉरी कितना है ये? 68 तो उसका है भारत का, तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये जो हम बात कर रहे थे जैसलमेर जिला, सम गांव, कटरा गांव कितने पर है? तो 69 डिग्री 30 मिनट पर है।
और ये जो सिलाना गांव कितना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये तो थे पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु। अब मित्रों हम बात करते हैं कि जब वो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा बताओ, पूर्व दिशा में होता है, सूर्योदय किधर से होता है, पूर्व दिशा से। तो सबसे पहले सूर्योदय होगा धौलपुर जिले में और उसके लगभग यहाँ पे कितने मिनट बाद, तो देखो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, तो संभवतः कितना हो गया, जैसे मोटा मोटा आंकड़ा करें तो ये हो गया 9 डिग्री का और 9 चौका कितने होते हैं 36, यानी लगभग 35-36 मिनट बाद उदय कहाँ पे होगा, जैसलमेर में। ठीक है, एग्जैक्ट भी आप इनको निकाल सकते हो, 1 डिग्री देशांतर बराबर होते हैं 4 मिनट, कितने होते हैं 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने होते हैं 4 मिनट। तो 9 हो गई तो 9 चौका 36, यानी लगभग जब यहां पे सूर्य उदय होगा उसके 36 मिनट 35 मिनट बाद उदय कहां पर होगा, जैसलमेर जिले में उदय होगा। तो याद रह जाएगा जब यहां पे सबसे पहले उदय होता है तो सबसे पहले अस्त भी पहले होगा, यहां बाद में उदय होता है तो अस्त भी यहां पर बाद में होगा। याद रह जाएगा सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा तो धौलपुर जिले में होगा और सबसे बाद में सूर्योदय कहां पर होगा मित्रों, तो सबसे बाद में सूर्योदय भी होगा वो कहां पर होगा, जैसलमेर जिले में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं और सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती हैं राजस्थान में। तो देखो मित्रों ये कितने डिग्री पर था, 23 डिग्री पर, इसके नीचे मान लेते हैं कि संभवतः यहां होकर कर्क रेखा जाती होगी। ठीक है, ये सॉरी कर्क रेखा तो इसके ऊपर से जा रही है और नीचे से कौन सी जाती है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री ऊपर से जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर के, तो सूर्य की सीधी किरणें संभवतः ज्यादातर टाइम कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो यहां सीधी पड़ती है तो इसका मतलब यहां पर सीधी पड़ेंगी, और तिरछी अगर बात की जाए सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पड़ती है, तो श्रीगंगानगर। अगर आपसे क्वेश्चन नॉर्मल में पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह जिला जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो हमको याद रखना है कौन सा होगा, बांसवाड़ा जिला। और सूर्य की किरणें सर्वाधिक मात्रा में तिरछी कहां पर पड़ती हैं, तो सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है श्री गंगानगर जिले में, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है। तो मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए मित्रों, एक बार मैं फिर रिपीट करवा रहा हूं, आपको याद भी हो गए होंगे। देखो आपको याद रखने थे, सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है तो पूर्व में सूर्योदय होता है तो कौन से जिले में होगा, धौलपुर जिले में। सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है तो जैसलमेर जिले में। जब सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में हो रहे हैं तो मित्रों सूर्य अस्त भी सबसे पहले कहां पर होगा, धौलपुर जिले में। और सबसे बाद में अस्त कहां पर होगा तो जैसलमेर जिले में। यह क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाना चाहिए। अब दूसरी बात मैंने बताई कि यहां पर जब सूर्य उदय होता है धौलपुर में उसके कितने मिनट बाद होता है, तो आपको याद रखना है, अगर एग्जैक्ट आप याद रखना चाहो तो ऐसा करो 78 डिग्री 17 मिनट में से और ये 69 डिग्री 30 मिनट घटा दो, जो भी आएगा। जैसे अभी हम बात करते हैं तो यहां से एक डिग्री दे देते हैं 60 हो जाती है और 70 और ये होंगे 77, 77 में से अगर ये चला जाता है तो 3 और यहाँ 7 में से तो ये 4 मिनट और 7 हो गए 17 में से 8, तो ये हो जाएगा संभवतः 8 डिग्री और ये हो गया 43 मिनट। अब इसका हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने अब इसका सीधा बताऊं कि इसमें 8 इंटू 4 कर दो तो 8 चौका कितने होते हैं 32 और 45 हो रहे हैं तो 3 और हो गई, तो लगभग कितना 45 मिनट बाद जब यहां सूर्योदय होगा उसके सॉरी 45 नहीं 35 मिनट बाद सूर्योदय कहां होगा, जैसलमेर जिले में। ठीक है, यहां सूर्य अस्त होगा उसके 45 मिनट बाद अस्त कहां होगा, जैसलमेर जिले में। ठीक है, यह गणित समझ में आ गई। सूर्य को 1 डिग्री देशांतर कबूल करने में या पृथ्वी को घूर्णन जब करती है पृथ्वी तो 1 देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, कितने मिनट 4 मिनट का समय लगता है। तो 8 डिग्री 43 मिनट है तो 8 डिग्री इंटू 4 कर दो तो 8 चौका 32 मिनट और 43 यानी लगभग 3 हिस्सा हो गया, 45 मिनट पर तीसरा हिस्सा हो जाता है 15 चौका 60 तो 3 मिनट और हो गई, तो कितने मिनट 35 मिनट। दूसरा मैंने बताया था कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, तो यहां पर सीधी पड़ेंगी
और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तिरछापन बढ़ता जाएगा। सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी? श्री गंगानगर जिले में पड़ती हैं। तो ये मित्रों थी इसकी सामान्य जानकारी। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ चुकी होगी।